नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार का विवाद अभी थमा नहीं है। वहीं अब केंद्र सरकार ने अल्पन बंदोपाध्याय को रिमाइंडर नोटिस भेज दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार और सीएम ममता बनर्जी के बीच जारी रस्साकसी अल्पन बंदोपाध्याय के रिटायरमेंट लेने के बाद भी थमती नहीं दिख रही है। केंद्र ने सोमवार को रिटायर हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को मंगलवार को सुबह 10 बजे डीओपीटी में रिपोर्ट करने के लिए रिमाइंडर लेटर भेजा है और ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि ये रिमाइंडर लेटर तब भेजा गया जब बंदोपाध्याय मंत्रालय के पिछले आदेश पर सोमवार को यहाँ नहीं पहुँचे। ममता ने कहा कि केंद्र ने उन्हें मंगलवार को नॉर्थ ब्लॉक आने के लिए कहा है, लेकिन कोई अधिकारी राज्य प्रशासन की अनुमति के बिना किसी नए कार्यालय में नहीं जा सकता। सूत्रों ने बताया कि यदि बंदोपाध्याय मंगलवार को दिल्ली रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जरूरी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इससे पहले चक्रवाती तूफान यास पर प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल न होने और उसके कुछ देर बाद मुख्य सचिव के तबादले को लेकर घमासान हुआ। इस बीच ममता ने बड़ा दांव चला है। उन्होंने अल्पन बंदोपाध्याय को अपना मुख्य सलाहकार बनाने का ऐलान कर दिया। वहीं मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी हरि कृष्ण द्विवेदी को सौंप दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा कि मुख्य सचिव को 3 महीने का एक्सटेंशन देने की अनुमति के लिए 10 मई को पत्र लिखा था। कोविड की स्थिति को देखते हुए अल्पन बंदोपाध्याय को 3 महीने के विस्तार की अनुमति देने की अपील की गई थी। वहीं ममता के इस कदम के बाद सूत्रों का कहना है कि अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी, उन्हें चार्ज सीट दी जाएगी। रिटायर होने के बाद भी कार्रवाई की तैयारी है। अब केंद्र सरकार अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि नियमों के मुताबिक अगर अफसर को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद होता है तो केंद्र का फैसला ही माना जाता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल में हुई साइक्लोन यास के मसले पर मीटिंग में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय पहले तो काफी देरी से पहुंचे और उसके बाद चंद मिनटों में ही निकल गए। इसी के बाद केंद्र ने चीफ सेक्रेटरी पर एक्शन लेना शुरू किया, लेकिन इस बीच ममता ने अल्पन को अपना मुख्य सलाहकार बनाकर खेल बदल दिया। बंगाल में चल रही सियासत के बीच राज्यपाल धनखड़ ने भी ममता को नसीहत दे दी। ममता बनर्जी के पीएम मोदी के साथ हुई बैठक में शामिल न होने से राज्य और केंद्र सरकार के बीच दूरी और बढ़ गई है। वहीं बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है और कहा है कि वो पहले ही बैठक में न आने का संकेत दे चुकी थी। जगदीप धनखड़ ने ट्वीट करके दावा किया कि शुक्रवार को होने वाली बैठक से पहले ही ममता बनर्जी ने उन्हें मैसेज कर दिया था और कहा था कि अगर इस बैठक में सुवेंदु अधिकारी मौजूद होंगे तो वो बैठक को बॉयकट कर सकती हैं। राज्यपाल ने कहा कि लोक सेवा पर अहंकार हावी हो गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के साथ बैठक में देरी से जाना अल्पन बंदोपाध्याय को भारी पड़ा, क्योंकि उन्हें तत्काल बंगाल के चीफ सेक्रेटरी के पद से हटाकर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है। उसी के बाद ये सारा विवाद पैदा हुआ। गृह मंत्रालय ने उन्हें सुबह 10 बजे तक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था, लेकिन बंगाल सरकार ने उन्हें रिलीव नहीं किया। बंगाल में चल रही सीएम ममता की तानाशाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। सीएम ममता बनर्जी बंगाल की कानून व्यवस्था को सुधारने के बजाय केंद्र सरकार से लड़ने में व्यस्त दिखाई दे रही हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।